नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। जमीनी विवाद में चली गोली, दो सगे भाइयों की मौत, चार घायल। जिले के बरहस थाना क्षेत्र के चक्रा नौनार गांव में मंगलवार की सुबह गोली चली, जिसमें दो लोगों की मौत और छह लोगों के घायल होने की सूचना है। मामले के पीछे पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के चक्रा नौनार गांव में मंगलवार की सुबह कई राउंड गोली चली, जिसमें चार लोगों को गोली लगी। इसमें रमेश यादव पुत्र लालधारी एवं कोकिल यादव पुत्र लालधारी की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि वहीं चार लोग घायल हो गए। घायलों में बेचू यादव, राजा राम यादव, देवतानंद यादव एवं अंकित यादव शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली एवं दो घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कराया। देवरिया से विनित मिश्र, अंकित की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है, कितने लोग इंजर्ड है, क्या बता पाएंगे? मरीज आए हैं हमारे पास, छह मरीज आए हैं, जिसमें से दो तो मृत अवस्था में आए थे, बाकी चार का इलाज कर रहे हैं। उनको हमने गाड़ी में गोली गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। क्या हुआ है सर? बड़ी छोटी इंजरी है। क्या गोली लगा है? जी गोली लगा है, तीन को तो गोली लगी है, दो को छह और तीन को छह लग गया है। दो की मौत हो गई है, दो की मृत्यु हो गई है। आपका शुभ नाम क्या है सर? जी डॉक्टर प्रतीक है। नाम चक्रा लोनार में आज दो परिवारों में पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। जानकारी करने पर ये पता चला है कि इनका जमीन का कोई विवाद है, जिसमें पत्थरगड्डी की कार्रवाई चल रही है, नाप हो गई है, पत्थरगड्डी होने शेष है। इसी बीच में जिस पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं, उसमें दो लड़कों की डेथ हो गई है, गोली मारी गई है, चार इंजर्ड हैं। इनका बताना है कि ये लोग अपने दरवाजे के सामने सफाई कर रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ किसी विवाद की डेथ हो गई है, 25 कुर्सी पर रही है। दूसरे पक्ष ने आकर उसको मना किया कि ये उनका है, इसी वाद विवाद में दूसरे पक्ष के जो अधिक पक्ष है उन्होंने गोली मारा, जिसमें दो लोग मर गए हैं, चार पांच लोग इंजर्ड हैं, उसमें से दो जो सीरियस हैं उनको गोरखपुर बुजाड़ी मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। दोनों ही पक्ष सगे पटीदार हैं, यादव पक्ष हैं, और एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी बंदूक से वहाँ फायरिंग किया है। इस संबंध में विशेष कार्रवाई हमें करा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।